आज चना पुलाव बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी अनियन ली है, इसके अलावा हाफ टी स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ज़ीरा लिया है मैंने हाफ टी स्पून, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है, एक स्टिक सिनेमन की ली है और एक बड़ी इलायची ली है। इसके अलावा मैंने 1.5 कप के करीब ये चावल लिए हैं जिसको मैंने धो के और भिगो दिया। अब मैं अनियन को स्लाइस करूंगी और फिर थोड़े से ऑयल में उसको ब्राउन करूंगी। इसके अलावा मैंने ये चने लिए हैं जो मैंने उबाल के रख लिए थे, 1.5 कप के करीब हैं, जितना आप पसंद करें उतना डाल सकते हैं। ये मैंने सॉटे मोड में अपना इंस्टेंट पॉट ऑन किया है और उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और उसमें अपने अनियन को स्लाइस करके ब्राउन कर रही हूँ। ये देखें, ये गोल्डन होने शुरू हो गई है, ब्राउन के करीब हो गई है। अब मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगी और जो मेरे गरम मसाले हैं वो शामिल करूँगी, साथ में लहसुन अदरक। और उसके बाद में इसमें ये उबले हुए चने शामिल कर दूँगी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मैंने अराउंड 1 टीस्पून के करीब नमक लिया, वो भी इसमें डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप की है, एक हरी मिर्च वो भी डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको हम तलेंगे। इसमें मैं ये चावल भी शामिल कर दूँगी जो इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था लेकिन मैंने वो पानी निकाल दिया है। चावल शामिल कर दूँ तो थोड़ा सा तलूँगी। तब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। मैंने 2 कप पानी शामिल किया है। इतना कि ये जो कुछ मैंने डाला है ये अंदर डूब जाए। अब मैं अपना आईपी बंद करूंगी। ये मैंने राइस सेटिंग पे सेट कर दिया है 12 मिनट्स की और अब मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी। ये देखें, बहुत ही बिखरे हुए, बहुत अच्छे बने। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखें, मैंने डिश आउट कर दिया है, बहुत ही बिखरे हुए, बहुत ही अच्छे बने हैं और कितने आराम से बन गए, ज़्यादा चावल को देखना भी नहीं पड़ा और खुद ही बन गया है। इसमें बहुत ही आसान है ये और इसको मैं सर्व कर रही हूँ लौकी गोश्त के साथ। आप चाहें तो इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये हर लिहाज से बहुत मज़ेदार लगते हैं। चने के साथ चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार है, आप भी ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे।